हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर यह बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो गारंटी उनने दी थी वो दौर पूरा हो गया, वो बीत गया। और गारंटी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा है, विश्वास है, और वो है मोदी जी की गारंटी पर, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व में अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए वो हमारी तरह ही, और मुझे बहुत सुकून हो रहा है। और जो पिछले कल जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम को अगर हम देखें, उन परिणामों को अगर हम देखें, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो गारंटियों का दौर जिस प्रदेश से शुरू हुआ था वो वहीं पर ही दफन हो गया, खत्म हो गया है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां हैं इस पर लोग तो पूछेंगे ही, और हम भी पूछेंगे, लेकिन आने वाले समय में जो गारंटियां दी है उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। एक बार फिर से मैं जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर यह बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल कई वर्ष पीछे चला गया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो गारंटी उनने दी थी वो दौर पूरा हो गया, वो बीत गया। और गारंटी के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा है, विश्वास है, और वो है मोदी जी की गारंटी पर, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व में अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए वो हमारी तरह ही, और मुझे बहुत सुकून हो रहा है। वहां पत्रकार वार्ता में जब गए तो हमने बहुत बात कही, वहां पर वो पत्रकार वार्ता बहुत प्रभावी रही, वहां पर बहुत ज्यादा वो चली भी वहां पर हर जगह। तो मैंने कहा हिसाब चुकता करने के लिए आए हम, तो वहां मालूम पड़ा इस बात को लेकर के, जो जानकारियां हासिल हो रही, जो इन्वेस्टिगेशन की, मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चला, इस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। जो हिमाचल का कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हुआ है तो उसमें फंडिंग का जिम्मा उनके लगाया था, तो ये जो 508 का जिक्र आ रहा है, जो महादेव को, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, भगवान महादेव को भी छोड़ा नहीं, महादेव ऐप का जो जिक्र है, तो उसके उससे कुछ ऐसे कनेक्शन निकल रहे हैं, उसे ऐसी बातें निकल रही हैं जो हिमाचल से कांग्रेस पार्टी के चुनाव से जुड़ी हुई हैं।